सदियों से लोग ब्रिजेस का निर्माण कर रहे हैं ताकि रिवर्स, लेक्स और वैलीज को पार कर सके नीचे के फ्लो को रोके बिना। पहले के ब्रिज लकड़ी और पत्थर से बनते थे और आजकल मोस्टली कंक्रीट और स्टील से। रोड, रेल और पेडेस्ट्रियन के अलावा वाइल्ड लाइफ के लिए भी ब्रिजेस बनाए जाते हैं। एम्बैंकमेंट्स और ब्रिजेस में इतना डिफरेंस होता है कि ब्रिजेस नीचे का फ्लो नहीं रोकते। ब्रिजेस के अप्रोच रोड्स भी एम्बैंकमेंट्स पर बनी होती हैं और इसके दोनों एंड्स पर एबटमेंट्स बनाए जाते हैं जिस पर डेक को सपोर्ट किया जाता है। अगर छोटा ब्रिज है तो दोनों साइड एबटमेंट्स होंगी और लंबे ब्रिज में इनके बीच पियर्स का इस्तेमाल होता है। इन मल्टीपल पियर ब्रिजेस को वायाडक्ट कहते हैं। दो पियर्स के बीच के डिस्टेंस को स्पैन कहते हैं। स्पैन के डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए ही अलग अलग टाइप के ब्रिजेस बनाए जाते हैं। फोर्सेस ऑन अ ब्रिज। एक मटेरियल पर 5 मेन टाइप के फोर्सेस लगते हैं, टेंशन, कंप्रेशन, बेंडिंग, टॉर्जन एंड शेयर। इन फोर्सेस को एक ब्रिज स्ट्रक्चर में अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाता है ताकि ब्रिज स्पैन बढ़ाया जा सके। 6 मेजर टाइप के ब्रिज स्ट्रक्चर्स होते हैं, बीम, ट्रस, कैंटिलीवर, आर्च, केबल स्टेड और सस्पेंशन। बीम ब्रिजेस में पियर्स और एबटमेंट्स पर बीम सपोर्ट होती हैं जिस पर डेक रखते हैं। आई बीम्स और प्लेट्स का इस्तेमाल होता है इसमें। गर्डर, बॉक्स गर्डर और सेगमेंटल ब्रिजेस इसके सब टाइप्स हैं। इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज जो पानी के ऊपर बना है वो एक बीम ब्रिज है। 9.15 किलोमीटर लंबा ढोला सदिया ब्रिज असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ट्रस ब्रिज में काफी सारी बीम्स को जोड़कर एक सुपर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिसमें फोर्सेस पूरे स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये बीम्स ज्यादातर ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में ही बनती हैं। ट्रस का इस्तेमाल ब्रिजेस के अलावा काफी जगहों पर होता है, जैसे बिल्डिंग्स, रूफ स्ट्रक्चर्स, क्रेन्स एंड मशीनरीज। असम में बोगीबील ब्रिज एक 2 लेवल ट्रस ब्रिज है जिसमें रोड और रेल दोनों चलती हैं। कैंटिलीवर ब्रिज एक तरफ से फिक्स्ड होता है और दूसरे एंड पर कोई सपोर्ट नहीं होता। ज्यादातर कैंटिलीवर ब्रिजेस में अलग अलग कैंटिलीवर के अनसपोर्टेड एंड्स बीच में मिलते हैं, उनको फिर आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज कैंटिलीवर ब्रिज है जिसका मिडल पार्ट एक सस्पेंडेड ट्रस स्ट्रक्चर है। ये मेथड काफी कैंटिलीवर ब्रिजेस में यूज होता है। आर्च ब्रिजेस में दोनों एंड्स के अबटमेंट्स कर्व्ड आर्च शेप में होते हैं। आर्च और ट्रस को मिलाकर थ्रू आर्च ब्रिज बनता है। केबल स्टेट ब्रिज में टावर्स के ऊपर से केबल्स नीचे डेक को डायरेक्टली सपोर्ट करती हैं। सस्पेंशन ब्रिज के कंपैरेटिवली इसके टावर्स ज़्यादा लंबे होते हैं और केबल्स की लेंथ कम होती है। सस्पेंशन ब्रिज में लंबे टावर्स बनाते हैं जिसके ऊपर 2 सस्पेंशन केबल्स अटैच्ड होती हैं। इसके एंड्स डीप कॉन्क्रीट ब्लॉक्स में फिक्स्ड होते हैं। केबल से लटकते वर्टिकल सस्पेंडर्स ब्रिज के डेक को सपोर्ट करते हैं। 2 या उससे ज्यादा के कॉम्बिनेशन से नए स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में आते हैं। आर्च और केबल स्टेट ब्रिज को मिलाकर टाइड आर्च ब्रिज बनता है। एक्स्ट्रा डोस्ट ब्रिजेस केबल स्टेट और बॉक्स गर्डर ब्रिजेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अनलाइक केबल स्टेट ब्रिजेस, इसमें केबल्स पूरी लेंथ कवर नहीं करते क्योंकि बाकी सपोर्ट बॉक्स गर्डर से मिलती है। मीडियम लेंथ ब्रिजेस के लिए ये काफी बेनिफिशियल है। कॉस्ट सेविंग के साथ दिखने में भी अच्छे हैं और पियर्स भी कम इस्तेमाल होते हैं दूसरे छोटे ब्रिजेस के कंपैरिजन में। बिहार का आरा छपरा ब्रिज वर्ल्ड में सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोस्ड ब्रिज है, 1.92 किलोमीटर लंबा। फाउंडेशन बनाना सबसे पहला स्टेप होता है ब्रिज कंस्ट्रक्शन में। इसके बाद सपोर्ट टावर्स बनाते हैं, फिर डेक, उसकी सपोर्ट और फाइनली पेवमेंट बनाते हैं। डिटेल्ड जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद ब्रिज फाउंडेशन को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि वेल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन और ओपन फाउंडेशन। स्टील या कंक्रीट पाइल्स को ग्राउंड के अंदर एम्बेड कर देते हैं ताकि इस पर पियर बनाया जा सके। ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन का मोस्ट सूटेबल मेथड चूज करते हैं सॉइल टाइप और टेरेन के हिसाब से। सपोर्ट टावर। ज्यादातर पियर्स सेगमेंटली बनाए जाते हैं जिसमें फॉल्स वर्क को बेस पर सेट करते हैं। इसमें कंक्रीट डालकर सूखने देते हैं। स्टैंडर्ड कंक्रीट को हार्ड होने में 7 से 28 दिन लगते हैं। इसके बाद फॉल्स वर्क को स्ट्रक्चर के हिसाब से ऊपर लगाते हैं और कंक्रीट डाल देते हैं। ये प्रोसेस रिपीट करते हैं जब तक पूरा पियर तैयार नहीं हो जाता। पूरा होने पर पियर कैप को कास्ट करते हैं जिस पर डेक सपोर्ट होता है। जब एक सेक्शन में सारे पियर्स बनकर तैयार हो जाते हैं तो उनके ऊपर मशीन को असेंबल किया जाता है जिससे डेक को बनाया या अटैच किया जा सके। कास्ट इन प्लेस कंस्ट्रक्शन में सुपर स्ट्रक्चर यानी ब्रिज के ऊपर के स्ट्रक्चर से पहले सब स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। इसमें ब्रिज के सेगमेंट्स को कंस्ट्रक्शन साइट पर ही कास्ट करते हैं।
ये मेथड तब यूज होता है जब प्री फैब्रिकेटेड सेगमेंट्स बहुत भारी होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट का टेरेन रफ होता है। इसमें फॉल्स वर्क को हार्ड हुए कंक्रीट के साथ अटैच करके नेक्स्ट पार्ट के लिए रीइंफोर्समेंट स्टील और सपोर्ट्स इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद कंक्रीट डालकर सूखने देते हैं, फिर फॉल्स वर्क को आगे शिफ्ट कर देते हैं और सारा प्रोसेस रिपीट होता है। ज़्यादा बड़े ब्रिजेस में इसको कैंटिलीवर स्टाइल में कंस्ट्रक्ट करते हैं। प्रीकास्ट मेथड में कंक्रीट सेगमेंट्स को फैक्ट्री में फैब्रिकेट किया जाता है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करके कंस्ट्रक्शन साइट ले जाके अपनी जगह पर अटैच किया जाता है। हर सेगमेंट को आगे और पीछे वाले सेगमेंट से जुड़ने के लिए डिज़ाइन करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पहुंचने के बाद सेगमेंट्स को क्रेन या मशीन से ऊपर उठाकर पोजीशन पर लगाते हैं, फिर वर्कर्स इसमें रीइंफोर्समेंट स्टील इंस्टॉल करते हैं जो पिछले सेगमेंट से अटैच होती है। कोई एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होती है तो वो भी साथ में अटैच हो जाती है। इसके बाद ये प्रोसेस रिपीट होता है कम्प्लीशन तक। इसकी मेन एडवांटेजेस हैं कि इसमें कास्ट इन प्लेस से कम टाइम लगता है, क्योंकि फैब्रिकेशन जल्दी शुरू हो जाती है ग्राउंड ब्रेकिंग के समय या उससे भी पहले, तो जब तक पियर्स बनते हैं काफ़ी सेगमेंट्स बनकर तैयार पड़े होते हैं। इसमें सेगमेंट्स की क्वालिटी पर भी बेहतर ध्यान रखा जा सकता है और मिस्टेक्स भी जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। अर्बन एरियाज में या कंस्ट्रक्शन के दौरान ट्रैफिक डिसरप्शन कम करने के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है। सेगमेंटल मेथड, डेक को सीक्वेंशली वन सेक्शन एट अ टाइम बनाते हैं। लंबे ब्रिजेस जिसमें एक स्पैन की लेंथ 60 मीटर्स तक हो, उसके लिए ये प्रेफर किया जाता है। जनरली इसमें असेंबली ट्रस यूज होती है सेगमेंट्स के लिए, जो उनको ग्राउंड से उठाकर अपनी जगह लगाती है। एक तरफ की अबटमेंट से सेगमेंट्स को ऑर्डर में प्लेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। आर्च शेप मेथड, ये मेथड काफ़ी इकोनॉमिकल है जब ब्रिज किसी इनएक्सेसिबल वैली या लैंडस्केप पर बनाना हो। इसको यूजुअली कास्ट इन प्लेस कंक्रीट से या स्टील से बनाते हैं। पहले एबटमेंट्स या पियर्स को बना के कैंटिलीवर स्टाइल में सेंटर की ओर बढ़ते हैं आर्च को कंप्लीट करने के लिए, फिर इसके ऊपर डेक को असेंबल करते हैं। बैलेंस्ड कैंटिलीवर मेथड, इस मेथड को 50 से 250 मीटर के स्पैन वाले ब्रिजेस में इस्तेमाल किया जाता है। प्रीकास्ट या कास्ट इन प्लेस दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। पियर बनने के बाद उसके ऊपर सेगमेंट्स को अटैच करना शुरू करते हैं अल्टरनेटिव मैनर में, पहला सेगमेंट एक तरफ और नेक्स्ट दूसरी तरफ। ये मेथड बेस्ट होता है लंबे स्पैन वाले ब्रिजेस के लिए और रफ टेरेन में। केबल स्टेट ब्रिजेस भी इसी मेथड से बनते हैं, जिसमें हर नए सेगमेंट के साथ सपोर्ट केबल्स अटैच की जाती हैं। इससे काफ़ी फॉल्स वर्क भी बचता है और ब्रिज काफ़ी ऊंचाइयों पर भी आसानी से बना सकते हैं। लॉन्चिंग गैंट्री मेथड, इस मेथड में गैंट्री क्रेन यूज होती है। ये स्पेशल पर्पस मशीन सेगमेंट्स को लिफ्ट, कैरी और प्लेस कर सकती हैं। ये मशीन्स कैसे काम करती हैं? सबसे पहले मशीन को प्लेस या असेंबल किया जाता है। पियर्स पर स्ट्रट्स रखते हैं जिस पर मशीन सपोर्टेड होती है। लॉन्च करते समय इसका आगे का हिस्सा जो स्लाइडिंग रेल्स पर है वो नेक्स्ट पियर तक पहुंचता है, फिर स्ट्रट को पिछले पियर से आगे लाकर टिका देते हैं। इसके बाद लिफ्टिंग ट्रॉली पीछे जाकर सेगमेंट्स को उठाकर आगे लाती है और अपनी जगह पर लगा देती है। ये प्रोसेस रिपीट होता है कम्प्लीशन तक। स्टैंडर्ड मशीन की स्पीड 5 से 10 किलोमीटर पर आवर होती है। इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग मेथड, ये मेथड कंटिन्यूअस कंक्रीट या स्टील गर्डर ब्रिजेस के लिए इस्तेमाल होता है। प्रीकास्ट मेथड यूज नहीं होता, सिर्फ कास्ट इन प्लेस। इसमें ब्रिज डेक के सेक्शंस को कास्ट करके बाहर पुश करते हैं अबटमेंट से, फिर कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट सेक्शन को कास्ट करके उसे पुश करते हैं। 250 मीटर से लंबे ब्रिज स्पैन में इसको यूज करते हैं। ये मेथड काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, पर इसके अलावा काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं, जैसे इनएक्सेसिबल और रिस्ट्रिक्टेड सराउंडिंग्स को अवॉइड करके आसपास मिनिमम डिस्टरबेंस के साथ इसमें ज़्यादा सेफ्टी, कम मशीनरी और कोई फॉल्स वर्क नहीं चाहिए होता। केबल स्टेड मेथड, इस मेथड में सपोर्ट टावर से केबल्स नीचे डेक को कैरी करती हैं। इसे सारा लोड टावर से फाउंडेशन पर ट्रांसफ़र होता है। नए सेगमेंट्स को इंस्टॉल करने के बाद उसको केबल से अटैच करके पूरा स्पैन कवर करते हैं। अगर ब्रिज की लेंथ 300 मीटर से ज़्यादा हो तो ये प्रेफर्ड मेथड होता है। काफ़ी इकोनॉमिकल भी है लंबे ब्रिजेस के लिए। सस्पेंशन मेथड, टावर्स बनाने के बाद उसके ऊपर दो सस्पेंशन केबल्स को जोड़ते हैं, फिर उसके एंड्स को डीप कंक्रीट ब्लॉक्स में एम्बेड कर देते हैं। सेगमेंट्स को कैंटिलीवर स्टाइल में लगाया जाता है। ये प्रोसेस दोनों टावर से साइमल्टेनियसली स्टार्ट होता है, ताकि केबल्स पर इक्वल वेट पड़े दोनों साइड से। हर नए सेगमेंट को प्लेस करके वर्टिकल सस्पेंडर से अटैच करते हैं। इस मेथड से 1 किलोमीटर से लंबा ब्रिज स्पैन भी बन जाता है।
वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट ब्रिजेस बनाए जाते हैं इससे। 1.99 किलोमीटर लंबा सेंट्रल स्पैन है आकाशी काइको ब्रिज का। ये एक्सपेंसिव मेथड है पर इससे काफ़ी ऊंचाइयों और मुश्किल टेरेन पर ब्रिज आसानी से बनाया जा सकता है। अप्रोच रोड एंड डेक पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। अप्रोच रोड के लिए एम्बैंकमेंट तैयार करते हैं जिस पर रोड पेव की जा सके। डेक असेंबल होने पर पेवमेंट तैयार करते हैं मोस्टली कंक्रीट से और एस्फेल्ट से। उसके बाद रोड फीचर्स ऐड करके ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है। ब्रिजेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और दिखने में भी काफ़ी अच्छे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर।